देखिए बिहार के कोने कोने से लोग जो है आज पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में पहुंचे हैं और लोग केवल यही सोच लेकर के आए हैं कि प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज एक संगठन था, आज वो एक पार्टी की रूप लेने जा रही है, आज ये पार्टी में बदलने जा रही है। लोगों का काफ़ी कुछ भीड़ है और लोग बहुत कुछ मन में लेके आए भी हैं कि बिहार को प्रशांत किशोर जी आएंगे तो बदलेंगे। तो ऐसे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जो कौन कहाँ से आए हैं और क्या सोच लेकर के आए हैं। अभी एक भाई साहब है मेरे से, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर सोनी हुआ, मैं मधेपुरा जिला का रहने वाला हूँ और बाहर दिल्ली पंजाब हरियाणा काम करता हूँ, लेकिन अभी जो आए हैं 3500 लड़के को लेकर के हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से 3500 लड़के को लेकर के आए हैं और इससे पहले हम प्रशांत किशोर जी का सेकंड सभा जो होता था उसका मैं POC रह चुका हूँ और जनसुराज में सारण जिला से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम बाहर में काम कर रहे हैं, जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। मंडी में जो बिहारी रहता है उसको जनसुराज के बारे में जानकारी देते हैं, जो सेलर में बिहारी रहता है उसको जनसुराज के बारे में जानकारी देते हैं, आंध्र प्रदेश सामलकोटा में जो बिहारी रहता है वहाँ हम यही जनसुराज के बारे में जानकारी देते हैं। काम जो आप कर रहे हैं तो आपका जो है मेन पैसा क्या है? आपका घर परिवार जिस पैसा से चल रहा है उसका भरपाई कर लेते हैं भाई साहब। मैं 30 दिन का महीने होता है, 10 दिन काम करते हैं, 10 के 40 4000 रुपया, 3 फैमिली है, बहुत हो गया। हमारा खाना तो इधर मिल ही जाता है, हमारा तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब भोजन पे काम कर रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? फायदा ऐसे होगा, मान के चलिए हम पल्लेदारी लाइन का काम करते हैं, 5 रुपया कीमत है 50 kg बोरा का, 500 बोरा फेंकते हैं तो 2500 रुपया होता है, लेकिन होता नहीं है, 1000 रुपया मालिक काट लेता है बाहर में, 1500 रुपया बचा, अब 500 रुपया ठेकेदार काट लिया, 1000 रुपया बचा, अब 500 रुपया मुंशी काट लिया, 500 रुपया बचा, 150 रुपया का खाना खाए, 350 रुपया बचा। अगर जनसुराज का सरकार आया तो थोड़ा ना थोड़ा अगर जो रकम है हम लोग का कमाई का वही मिल जाएगा, 1 बोरा का कीमत है 5 रुपया। अगर जनसुराज का सरकार आया, प्रशांत किशोर हम लोग का आवाज सुन लिया, हमें विधायक सांसद नहीं बनना है, नहीं मुखिया बनना है, नहीं बिहार पुलिस बनना है, नहीं आर्मी में जाना, कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ 1 बोरा का जो कीमत है गवर्नमेंट की तरफ से 5 रुपया वही हमको मिल जाएगा, तो हम 80,000-90,000 रुपया महीना कमाए। मतलब इसके लिए इतना दिन से आप प्रयास कर रहे हैं क्या? जो आप 30 दिन में 10 दिन काम करके 4000 रुपया कमा रहे हैं, तो 30 दिन में 30 दिन काम करके 12000 नहीं कमा पाएंगे? 12000 में आप इतना दिन से अगर तीस दिन में 12000 कमाएंगे तो जिंदगी भर 12000 कमाते रह जाएंगे। अगर जो जनसुराज का सरकार आ जाएगा तो परिवर्तन होगा 100%। लोग इस पे कैसे भरोसा करेगा ये बताइए जी, लोग कैसे भरोसा करेगा कि जनसुराज की जब सरकार आएगी? अरे सर, जिंदगी संभावनाओं पे चलती है, जनसुराज की जब सरकार आएगी तो ये चीज को जो है जरूर बदल देंगे। सबसे पहले वो रोजगार पे काम करेगी जैसा कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। लोग कैसे भरोसा करें? लोग ऐसे भरोसा करना चाहिए लोगों को। हम लोग तो गांव-गांव जाकर के, जो आप लोग वीडियो देखते होंगे, गांव-गांव जाकर के हम लोग सुबह में जाते हैं, चाची चलिएगा ऐसा व्यवस्था बन रहा है, आप लोग आइएगा जरूर, और 700-900 भीड़ हम लोग जमा कर देते हैं, 9 बजे जाते हैं, 4 बजे वहाँ लेकर के चले आते हैं। और ऐसे समझेगा लोग, मान के चलिए मेरा पिताजी 28 फरवरी 2022 को डेट किया और 1500 रुपया मांग रहा था कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, हम नहीं दिए तो मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना। मेरा पिताजी मर गया, मिट गया, इंदिरा आवास लेने के लिए 20,000-30,000 घूस मांग रहा था, घूस नहीं दिया तो हमारा पिताजी को इंदिरा आवास नहीं मिला। और हम अपना बहन का शादी किए हैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट में और हम रहते हैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में, हम अभी 1500 रुपया नहीं दिए तो राशन कार्ड सा नाम नहीं कटा, और 500 रुपया साइड से दिए तो माँ का नाम था मीना देवी, बहन का नाम। प्रशांत किशोर जी आएगा तो 5000 लोगों को कह रहा है 50000 लेकर के आएगा, कैसे ऐसे होगा भाई? MA करके, BA करके, BTEC करके, ग्रेजुएशन करके, डिप्लोमा करके हम लोग के संग में धान काटते हैं, मंडी करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, अभी हम बरोपल राजस्थान से आ रहे हैं 3500 लड़के को लेकर के साथ में। लग रहा है कि ये इसको दूर कर पाएंगे? देखिए
सबसे पहले ये चाचा भतीजा का जो सरकार बना, ये 30 साल में बिहार को लूट के खोखला कर दिया, इसकी गारंटी है। ये सत्ता के जो हुजूम लोग है ना, जो राज कर रहे हैं बिहार में, ये बिहार को खोखला का काम किए हैं। न यहाँ पर शिक्षा सही है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है, न यहाँ पर विकास का कोई कार्य सही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ के लोग बाहर में जाते हैं, गाली सुन रहे हैं, उचित मजदूरी नहीं मिल पाता है। लोग बिहारियों को हीन भावना से देखते हैं, जो कि हमारा बिहार सब कुछ में सही है, हमारा बिहार चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सत्ताधारियों ने बिहार को खोखला कर दिया। इसको नौ निर्माण होने जा रहा है, एक नया बिहार बनने जा रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब पतन होता है तो कोई ना कोई प्राकृतिक एक व्यक्ति को जन्म देता है जो उस जगह को सही करता, तो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। द्वापर में जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु अवतार लेकर के द्वापर की प्रक्रिया को सही किया, वैसे हमारी प्रशांत किशोर जी इस कलयुग में एक नव निर्माण करेंगे, नया बिहार करेंगे। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, बिहार में भ्रष्टाचार इतना आगे है, अफसरशाही है, ये तमाम चीजों पे एक बार में कंट्रोल कर पाना ये संभव है? जी मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रयास अगर मनुष्य करे तो बहुत कुछ कर सकता है। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। देखिए सर, इतना साल से प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आज तक आप भी मीडिया कर्मी हैं, कोई ये चीज बता दे नीति बना रहे थे राजनीति में, तो आज ये समझिए आ ही रहे। इससे पहले तक तो वो कह रहे थे कि हम ना आपके पास वोट मांगने आए हैं, ना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम केवल आपको बताने आए हैं। लेकिन आज ये पार्टी का एक नया रूप लेने जा रही है। इस दिन से ये संगठन था, आज के बाद ये राजनीति होगा। और उससे पहले जो प्रशांत किशोर जी थे, वो तो एक रणनीतिकार के रूप में कई पार्टी को देखे हैं, कई पार्टी में रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी भी इस फील्ड में, जो मतलब अपने आप के लिए नए हैं, मान रहे हैं इस बात को, नए हैं। और बिहार में कई बड़ी बड़ी पार्टी है, केंद्र में भी कई बड़ी बड़ी पार्टी है, उस बीच में इसको 243 सीट पर चुनाव लड़ने का भी वादा कर रहे हैं। इसको सफल हो पाना ये भी बहुत मुश्किल की बात है। एक चीज हमें बताइए आप, हम लोग 1 से लेकर 10 पढ़ते हैं तब मैट्रिक का परीक्षा देते हैं, पहले बात को समझिए। आपका चरित्र आपके भविष्य का निर्माण करता है। आपने तो बहुत सुंदर बात कही कि कई पार्टी में रहे, लेकिन ये बताइए कि कई पार्टी दागी हो गया, ये क्यों बेदाग रह गए, ये बताइए क्यों? आपके सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि मनुष्य का चरित्र उसके भविष्य का निर्माण करता है। प्रशांत किशोर जी के बताए हुए मार्ग पर कोई पार्टी नहीं चला, सत्ताधारियों ने सत्ता हासिल किया और इन्हें बेदखल नहीं किया, खुद बेदखल हो गए। क्यों? आप भी अपने परिवार को चलाते हैं, आपके परिवार में लोग अच्छे नहीं रहेंगे तो आप अपने परिवार को छोड़ देते हैं वहां से। ये तो राजनीति की बात है, ये तो सत्ता की बातें हैं। सही बात बोले कि कई पार्टी सवाल नहीं, आपने कहा राजनीति में आ रहे हैं, इस बात को दिमाग से मिटा दीजिएगा। ये बदलाव में आ रहे हैं, ये राजनीति में नहीं आ रहे हैं, ये बदलाव में आ रहे हैं। ये हम बिहारियों का अधिकार दिलाने के लिए आ रहे हैं, एक अधिकारी बन के नहीं आ रहे, एक जनता का सेवक बन के उभरे हैं। और इनका आज भी क्या नाम है आपको मैं लिखित दे देता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानेंगे। अगर इनकी सत्ता में सरकार भी आई तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, आप और हमारे या किसी जन प्रतिनिधि हो। सवाल पर हम जाने वाले थे, आप सत्ता के भोगी चले गए। सुन लीजिए, इससे पहले कई पार्टी को ये बेदखल कर दिए, क्योंकि इनके कहने के अनुसार कोई भी पार्टी चली नहीं चली, करप्शन में पार्टी गई, ये बेदखल कर दी। ये अभी भी कोई पार्टी के सुप्रीमो भी नहीं बनने जा रहे हैं, ये सब खुद बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनने जा रहे हैं। ये क्या भरोसा है कि वो पार्टी भी इनके कहने के अनुसार नहीं चले? तब तो फिर जनता के साथ जो वादा हो रही है उसमें जनता भी मतलब निराश हो जाता है। ऐसा है, देखिए जिंदगी संभावनाओं पे चलती है, प्रयास हम लोग करते हैं, हर व्यक्ति प्रयास करता है, एक छोटा सा प्रयास से इतना बड़ा हो किए हैं, प्रयास कर रहे हैं। गारंटी तो आपका हमारा भी नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं क्या हो जाएगा, कोई जानता है क्या? तो धरती की गारंटी है कब तक रहेगा, इसकी आयु है, कोई बोल सकता है? ये पवन का झोंका का कोई गारंटी है? लेकिन जिंदगी संभावनाओं पे चलती है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपका चरित्र आपके भविष्य का निर्माण करता है। तो इनका चरित्र, इनका प्रारूप रेखा, जाति धर्म मंदिर मस्जिद बेरोजगारी, ये सबसे अलग हट करके लोगों को एक अच्छा ज्ञान सद्बुद्धि दे रहे हैं और उस मार्ग पर चल रहे हैं जो
कि हमारे बिहार को विनाश नहीं विकास की ओर लेके जाए। आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव कितने सीट इनको मिल पाए? सर आप हजूम देखिए, वेटनरी मैदान छोटा पड़ गया है। मुझे लग रहा है कि अगर रोड पर जितने पब्लिक खड़ा है और यहाँ से लेकर के असियाना तक अगर पूरे लोग आ जाए तो ऐसा 5 मैदान भर जाएगा। सर ये जनता की आवाज है, ये प्रशांत किशोर के साथ उनके कदम से कदम मिला करके ये जनता का हजूम है और ये रुकने वाला नहीं है। ये 2024 की आंधी है, मिला जुला गांधी है बस।